Hello everyone, this is Harinder Sahu from King Research. Welcome to our episode number 11, date 19th of March 2020, यानी कि आज हम 18 मार्च को 18th of March को बात करेंगे कल के लिए कि कल किन 4-5 स्टॉक्स पर रडार पे लेना है, किंग रिसर्च की ईगल आई व्यू पे नज़र पे रखना है और निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, किस तरह से काम करेंगे उन पे हम लोग फोकस करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों का प्यार देने के लिए और मैं आपको ले चलूँगा कि मैंने कल रात को 9 बजे जो लेवल्स दिए थे वो आज के मार्केट में किस तरह से काम किया है, आपके सामने परफॉर्मेंस दिखाना चाहूँगा। तो आज का परफॉर्मेंस है निफ्टी क्लियर कट बोला था 8970 के नीचे ओनली पैनिक और परसों जो मार्केट क्लोज हुई थी 8920 के आसपास क्लोज हुई थी और क्लियर कट कल फिर रात को 9 बजे आके बोला लाइव एक दिन एडवांस में प्रेडिक्शन में बोला भाई 8900 पर ठोको ओनली पैनिक और मेड अलो 8382 सर दिमाग लगाओ नो चिंदी टारगेट 538 पॉइंट डाउन है वहां से इंट्राडे ओनली सिर्फ इंट्राडे प्योर इंट्राडे एक दिन पहले बोल रहा हूं रात को 9 बजे आके आपको बताया था कि आज कैसे काम करेगा। बैंक निफ्टी फ्रॉम 2156 याद है 21,256 के नीचे बोला क्लियर कट बोला है ठोको मेरे भाई वहां से ठोका 20,160 यानी कि 1090 पॉइंट्स डाउन इंट्राडे। यस बैंक निफ्टी में इंट्राडे 1090 पॉइंट्स डाउन है। उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन दिया था डीएलएफ 145 पे बोला ठोको 138 का लेवल कितने पॉइंट्स मिले डीएलएफ में 145 रुपए के स्टॉक में सॉरी सर थोड़ा सा 47 पॉइंट्स होते हैं ठीक है 7 पॉइंट्स डीएलएफ में मिले। आप कैलकुलेट कर लो परसेंटेज वाइज कितना होता है। इंडिगो नॉट एक्टिव टाटा मोटर्स यस 80 के नीचे बोला था ठोको 5 मिनट का कैंडल अगर वेट करते हो 5 मिनट के नीचे अगर आप ठोकते हो 79 का लेवल आता है 79 to 75 गया 4 पॉइंट्स डाउन कैलकुलेट कर लो आरओआई कितना होता है। आरबीएल 176 के ऊपर बोला था एक्टिव नहीं हुआ। एसीसी 1167 के बोला था एक्टिव नहीं हुआ बट इंडिगो भी 1007 का लेवल दिया था एक्टिवेट नहीं हुआ गाइस लेकिन अच्छा खासा पिटा है हमारा लेवल एक्टिव नहीं हुआ तो पिटाई हुई है। अच्छा 1 बजे में आप लोग 2:30 बजे के आसपास सॉरी 12:30 बजे में आपके साथ लाइव आया था अपने बेबी के साथ याद है और आपके स्पेशल डिमांड पे लाइव आपने पूछा था कि लाइव ट्रेड दो। मैंने एक बोला था निफ्टी को इस लेवल पे ठोक दो और उस टाइम चल रही थी 1:30 बजे के आसपास ये देखो टाइमिंग 1:30 बजे के आसपास क्लियर कट चल रहा था निफ्टी भाई साहब 8580 निकाल लो सिस्टम और खोल लो निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल क्या था यहाँ पे बोला ठोको और क्लियर कट 20 पॉइंट का रिस्क पॉइंट बोला था 24 ओनली स्टॉप लॉस 24 पॉइंट के रिस्क रिवॉर्ड में 170 पॉइंट्स मिले हैं मेरे भाई 160-170 पॉइंट मिले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करना। ओपन चैलेंज कर रहा हूँ है कोई मार्केट में जो लाइव मार्केट में आके कॉल देता हो। चलिए एनीवे कल किन किन स्टॉक्स पे नजर रखना है क्या निफ्टी के इंपॉर्टेंस लेवल होंगे उन पे बात कर लेता हूँ। निफ्टी फ्यूचर 8670 विल एक्ट एज ए लक्ष्मण रेखा कीप ईगल आई मेरे भाई नोट कर लेना लेवल्स को याद नहीं रहेंगे क्योंकि ये कुछ मैजिक नंबर्स होते हैं। यस अराउंड 8570-8630 ओनली सेल कीप ईगल आई ऑन 8347 यस वंस ब्रेक then we'll see big slide up to 8167-8080 yes around 8080-8000 यानी कि 8000 और 8000 के लेवल पे हम सारी पोजीशंस अपनी शॉर्ट पोजीशंस जो भी हम सेल करके होल्ड पे रहते हैं वो सारी पोजीशन अपनी एग्जिट कर लेंगे प्रॉफिट मुनाफा बुक करके निकल जाएंगे उसके बाद फ्रेश लेवल्स मैं आपको अगले हफ्ते दे दूंगा। बैंक निफ्टी का लेवल्स की बात करो 21,356 लक्ष्मण रेखा है एनी राइज हल्का सा भी चढ़ाई करो ठोको आपको याद होगा मैं 4-5 दिन से सिर्फ बैंक निफ्टी में ठोकाई की बात कर रहा हूँ नो बाइंग एट ऑल कह रहा हूँ ठीक है। क्रूशियल सपोर्ट है 2027 1980
ये दोनों लेवल्स याद रख लेना, यानी कि ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास इस बैंक निफ्टी में से मैं एग्जिट कर लूंगा। यस, नेक्स्ट 72 आवर्स में, 48 से 72 घंटे में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है मार्केट के अंदर, समथिंग कुकिंग वेरी बिग इन अपसाइड। लेट्स सी क्या होता है, मैं रियल मार्केट में आपको बताऊंगा। जो लोग टेलीग्राम मेरे साथ नहीं ज्वाइन करे और पहली बार देख रहे हैं, गाइस टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूले, आप नहीं ज्वाइन करोगे भूल जाओगे, मेरी कोई गलती नहीं है, बार बार बोलूंगा। जस्ट डायल अबव 386 स्मॉल बाउंस ऑन कार्ड, यस 397,401 का टारगेट रहेगा। यस नो डाउट ऑन राइस ऑन आवर मंत्रा ओनली सेल, जस्ट डायल पोजिशनल ओनली सेल राइट। बट कल के लिए इंट्राडे में थोड़ा तेजी हो सकता है, बट दो बिग स्लाइड ऑन कार्ड बचे हुए हैं, दो बार मार्केट में एक पैनिक आएगा उसके बाद मैं इसमें तेजी में बैठूंगा, अदरवाइज थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा, ओनली ठोको तो बाई अबव 386 ओनली। REC सेल एट ओपनिंग बेल 101-104 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, यस दिस इज अवर स्टॉप लॉस। सिप्ला 380-376 विल एक्ट एज अ सपोर्ट, एनी डिक्लाइन और पैनिक, एनी डिक्लाइन यानी कि 380-376 के आसपास आए तो बाई करने का सोचो, बात खत्म, दिमाग की बत्ती जलाओ, 1.5 से 2% से ज्यादा का कोई ऐसा नहीं लेगा। और जो भी मैं स्टॉक्स का लेवल देता हूँ सिर्फ कैश का देता हूँ, निफ्टी और फ्यूचर्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के मेरे फ्यूचर्स के लेवल होते हैं। माइंडट्री, यस चौथा स्टॉक, लास्ट स्टॉक है मेरा माइंडट्री, सेल एट ओपनिंग बेल और इफ ओपन बिलो 3%। माइंडट्री 3% अगर बाई चांस डाउन गलती से खुल गई और रिट्रेच करेगा, हल्का सा रिट्रेच करेगा, देन रिट्रेच करते नियर अबाउट 790-827 के पास ठोको आवर लक्ष्मण रेखा 839-872। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आपको चाहते हो कि मैं डेली बेसिस पे पिंग करूं, ठोको सब्सक्राइब, ठोको लाइक, ठोको शेयर बटन, शेयर कर डालो हर ग्रुप में, हर यूट्यूब चैनल में वीडियो वायरल होना चाहिए। आप लोग कॉपी पेस्ट करो लिंक और हर जगह डाल दो, अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो, और हेल्प नहीं हो रही हो तो सीधा ब्लॉक मार दो मेरे भाई, सिंपल सी बात है। थैंक यू सो मच, कल कुछ लेवल्स नए अपडेट रहेंगे, कुछ स्टॉक सिलेक्शन निकलेगा, लाइव फ्री टिप्स होगा तो मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू मेरे भाई बंधु, थैंक यू।